हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ई मित्र पोर्टल से श्रमिक कार्ड प्रिंटआउट कैसे निकालेंगे और कैसे पेमेंट करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहे लास्ट तक, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अवेल सर्च में सर्च करेंगे लेबर पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन बेनिफिशरी, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यह लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन और एक्ट नेम में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बेनिफिशरी का नाम आ जाएगा और पेमेंट आ जाएगा, तो यहाँ से पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 85 रुपीज़ का पेमेंट कट जाएगा आपके वॉलेट में से। फिर से बैक आएंगे मित्र पोर्टल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे इशू श्रम पहचान पत्र जारी करने की सेवा, लेबर इशू आइडेंटिटी कार्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये फिर से लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जिसका भी हाल ही में हमने पेमेंट किया है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. उसके बाद में यहाँ से सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल खुल गई उसकी, और यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर श्रमिक कार्ड जनरेट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। चाहो तो आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, फाइल नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।